गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 9th की अर्थशास्त्र को कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 10th का लगभग लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके बाद लास्ट हो गया ये चैप्टर नंबर 4 है और इसके बाद चैप्टर नंबर 5। तो पांच चैप्टर पांच ही है क्लास 10th के अर्थशास्त्र में, तो पांचों हमने क्या कर लिए, कवर कर लेंगे हम कल, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 को समझने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से, डिटेल के साथ, उसी तरीके से जैसे कि हमने बाकी के सभी चैप्टर पढ़े हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमको इतना सपोर्ट कर रहे हो और इतना मतलब हमारी वीडियोज को मतलब जो एवरेज है वो बढ़िया आ रही है। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए ताकि हम बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा मटेरियल भी दे सके और बहुत अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करा सके। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम बात करते हैं। चलिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए जो क्लास 9th की जो इकोनॉमी है उसके नोट्स जो प्रोवाइड कर दिए गए हैं वहां पे और टेलीग्राम चैनल पे हमारे में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वैसे हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर क्लास 9th के और जो क्लास 10th की जो इकोनॉमी है इसके चैप्टर नंबर 4 के, यानी चैप्टर 4 है, इसके भी नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 तक जो क्लास 10th की जो इकोनॉमी है यहाँ इसके चैप्टर नंबर 4 तक जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स हमने 9th से लेकर 10th तक के नोट्स वहां पे प्रोवाइड करा दिए हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मतलब बहुत आसान लैंग्वेज में हमने खुद से लिखे हैं वो, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो वहां से जाकर आप देख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है वो है वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए जो वैश्वीकरण है ये नया है और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लास 9th में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है, और 10th में भी इससे पहले के जो चैप्टर थे उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की थी। लेकिन अब फिर से ये भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसको देखिए, इसको समझिए, क्योंकि अब हम इसको देखेंगे वैश्वीकरण के आधार पर। पहली बात तो वैश्वीकरण है क्या ये समझेंगे, उसके बाद वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई, क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा वैश्वीकरण का। वहां पे हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को समझा तो था, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखो तो था, लेकिन वैश्वीकरण के आधार पर नहीं देखा था, ठीक है। तो इसलिए हम अब वैश्वीकरण के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि आखिरकार या फिर किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है वैश्वीकरण से, ठीक है। अब ये जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, हर उसमें ही हम यही करते हैं, पहले जो चैप्टर है उसको बढ़िया से समझा लेते हैं उसको नाम को, क्योंकि पूरी जो स्टोरी होती है जितना भी कुछ चैप्टर पे टिका हुआ होता है, मतलब जो भी कहानी होती है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, वो सभी चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड होते हैं। इस वर्ड में चैप्टर का जो नाम है इस वर्ड में ही चैप्टर की स्टोरी को इंडिकेट कर दिया जाता है, और इंडिकेट कर दिया है तो सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है, इंडिकेट कर दिया है कि आप क्या जानने वाले हो, सिर्फ अब उसको समझने की जरूरत है। चलिए देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण की, यानी वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि चैप्टर जो है वो इसी पे टिका हुआ है। देखिए वैश्वीकरण का मतलब है, देखिए दो वर्ड आप यहां पे ले लीजिए, एक संबंध ले लीजिए या फिर आप एकीकरण ले लीजिए, ठीक है, बात एक ही है, संबंध बनाना यानी एक होना, ठीक है, एकीकरण बोल लीजिए या संबंध बोल लीजिए। अब जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, वैश्वी यानी विश्व की बात है, कहीं ना कहीं पे कर रहा है, ठीक है, विश्व के एक होने की बात कर रहा है वैश्वीकरण, समझिए। वैश्वीकरण जब आप इस वर्ड को खोलोगे तो इसका पता है क्या आ जाएगा, इसका निकल के आ जाएगा विश्व प्लस एकीकरण, क्या निकल कर आ रहा है, विश्व प्लस एकीकरण आ जाएगा। अब आप इसको समझिए, विश्व मतलब, विश्व क्या है, विश्व मतलब संसार, मतलब सभी देश, ठीक है, जो जितने भी देश हैं, जो विश्व है, ठीक है, उन सब का एक होना, उन सब के संबंधों का मजबूत होना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, समझ में आ गया। अब आप समझिए कि वैश्वीकरण है क्या, इतना तो ये पता चल गया
कि विश्व के सभी देशों का एक होना, सभी देशों का एकीकरण होना ही क्या है, वैश्वीकरण है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया दो नंबर में कि आपको वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है, यानी आप वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, तो आप समझिए वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जो विश्व के संबंधों को या विश्व के विभिन्न देशों के संबंधों को मजबूत करे या विश्व के विभिन्न देशों को एकीकरण करे, एक करे, वही क्या है, वही वैश्वीकरण है, ठीक है। अब जो जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो ये पढ़ने वाले हैं एकीकरण से रिलेटेड, वो ही हम समझेंगे कि जो विश्व के विभिन्न देश, विश्व के विभिन्न देश, विश्व के लोग इतने करीब हुए हैं, विश्व के विभिन्न देश इतने करीब हुए हैं, विश्व के विभिन्न देशों के जो संबंध है वो मजबूत हुए हैं, वो आखिरकार कैसे हुए हैं, ठीक है। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा हुआ वो तो वैश्वीकरण है, लेकिन इस प्रक्रिया में किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा है वो आप समझ जाओगे, चैप्टर आप बढ़िया से समझ जाओगे, ठीक है। फिर आपको कोई भी डाउट रखने वाली बात हम नहीं छोड़ेंगे, बढ़िया से आप इस चैप्टर को आप समझ लोगे। अब देखिए, अब आप आ जाइए यहाँ पे जो फैक्ट नंबर टू है वो क्या कह रहा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के उदय, ठीक है, यानी विकास, किस तरीके से इसका विकास हुआ और तीव्र वृद्धि वाले कारक। अब ये क्या कह रहा है, हम आपको बताएंगे कि वैश्वीकरण जो है, जो विश्व के विभिन्न विभिन्न देशों का जो संबंध मजबूत हुआ है, विश्व के विभिन्न देशों का जो एकीकरण हुआ है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, वैश्वीकरण के द्वारा हुआ है। लेकिन इस प्रक्रिया में किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों का, किन किन महत्वपूर्ण कारकों का ज्यादा योगदान रहा था शुरुआती टाइम में, ठीक है। अब देखिए, जो पहला जो फैक्ट है वो आप समझ लीजिए, पहला है अंतरदेशीय उत्पादन। पहला क्या, अंतरदेशीय उत्पादन। अब थोड़ा इस अंतरदेशीय उत्पादन को समझने के लिए थोड़ा पहले आप इतिहास में जाइए, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा ये है क्या, लेकिन पहले आप इतिहास में जाइए। इतिहास में क्या था, पहले जो लोग व्यापार करते थे, ठीक है, मतलब जरूरती चीजों का ही व्यापार करते थे, मतलब जो बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि वो चीजें क्या थी, जैसे कि मान लीजिए भारत के पास क्या है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो जितनी भी फसल है सभी का उत्पादन करता है, ठीक है। अब जो भारत कृषि उत्पादन कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे मसालों का उत्पादन करता है, ठीक है, बहुत सारे मसालों के लिए फेमस भी है कि भारत का जो केरल स्टेट है, केरल वो फेमस भी है, तो यहां से क्या करता था, वस्तुओं के उत्पादन को भेजा जाता था किसी अन्य कंट्री में, ठीक है, दूसरे देश में। अब जो दूसरे देश में जो चीजें थी और जो चीजें भारत के पास नहीं थी, जैसे कि पेट्रोलियम, तो अब भारत वहां से क्या ले रहा है, पेट्रोल मंगवा रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था वस्तु विनिमय प्रणाली, तो इतिहास काल में जो था कोई करेंसी नहीं थी, ठीक है, इतिहास काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लोग वस्तुएं देते थे, वस्तुएं ही लेते थे, ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, भारत ने मसाला दे दिया, भारत उधर से पेट्रोलियम ले लाया, इसी तरीके से प्रक्रिया चलती थी, ठीक है, मतलब व्यापार होता था। अब इसमें देखिए, अब वो लोग जो व्यापार करते थे उनके पास ना तो परिवहन के साधन थे, उस टाइम में परिवहन के साधन भी नहीं थे, वो क्या करते थे, वो जहाजों का यूज करते थे, ठीक है, जहाजों का यूज करते थे या फिर और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, पशुओं का यूज करते थे, वो पशुओं के द्वारा वो क्या करते थे, मतलब वो एक आदान प्रदान करते थे उन वस्तुओं का। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो उत्पादन हो रहा है, तब तो मान लीजिए भारत में हो रहा है तो वो ठीक है, भारत में हो रहा था, लेकिन अब देखिए अब कितना विकास हुआ, यानी कितनी वृद्धि हुई उत्पादन में। पहले तो केवल जैसे कि भारत पेट्रोलियम ही मंगवा रहा है क्योंकि भारत के पास है नहीं, ठीक है। अब उससे पहले जाइए, उससे पहले देखिए, अब अंतरदेशीय उत्पादन ये क्या है, अंतरदेशीय उत्पादन, देशीय उत्पादन मतलब विभिन्न देशों के अंदर उत्पादन होने वाला, उत्पाद होने वाला विभिन्न देशों के अंदर, अंतरदेशीय, देखिए मतलब इसको समझिए, दो इस वर्ड को तोड़ दीजिए आसानी से समझने के लिए, कंफ्यूज नहीं होगे। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर होना, अंतर करना इन चीजों में डिफरेंस करना, इनको अलग अलग करना कि आखिरकार ये क्या है और ये क्या है, इनमें डिफरेंस करो भाई, अंतर करो। वो ये कह रहा है कि अंतरदेशीय, देशों के अंतर मतलब देशों के, अलग अलग देशों के, ठीक है, अंदर जो उत्पादन होने लगा वो ही उत्पादन अंतरदेशीय उत्पादन कहलाया,
वो क्या कहलाए, वो ही उत्पादन जो अलग अलग देशों के अंदर उत्पादन जो होने लगा, उत्पाद जो होने लगा, वो ही उत्पादन अंतरदेशीय उत्पादन कहलाया। अब इसने, इस उत्पादन ने कैसे वैश्वीकरण को मतलब उदय किया, कैसे वैश्वीकरण को उदय के लिए मतलब महत्वपूर्ण रहा है, कैसे इसने तीव्र वृद्धि की है, किसके किस में, वैश्वीकरण में। अब वो देखो कैसे किए इसने, देखिए जब उत्पादन होने लगा, मान लीजिए भारत में भी उत्पादन हो रहा है, भारत के अंदर, और अमेरिका में भी हो रहा है, रूस में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, हर कंट्री में उत्पादन हो रहा है और होता भी है, कॉमन सी बात है। अब जो ये उत्पादन हो रहा है, इस उत्पादन का विदेशी व्यापार होने लगा, विदेशी निवेश भी होने लगा। अब देखिए विदेशी व्यापार होगा, जो उत्पादन अलग अलग कंट्री के अंदर हुआ, उस उत्पादन का भी विदेशी व्यापार होगा, अलग अलग देशों में पहुंचाया जाएगा, आयात निर्यात होगा, ठीक है। तो लोगों के तो आपस में बातचीत होगी ना, हर कंट्री के लोग एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो संबंध है जो वो मजबूत होंगे, नहीं होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसीलिए ये जो अंतरदेशीय जो उत्पादन था, इसने वैश्वीकरण का उदय किया, मतलब उदय में योगदान दिया, ठीक है, मतलब संबंधों को मजबूत किया और एकीकरण की भावना इसने लाई। तो इसीलिए वैश्वीकरण को देखा, ये जो कारण माना जा रहा है, इसका रीजन ये है। अब देखिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, इसको समझने के लिए, विदेशी व्यापार क्या है और विदेशी निवेश क्या है, इसको समझने के लिए आप पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समझ लीजिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आप समझ जाओगे तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश आप ऑटोमेटिक ही समझ जाओगे, वो मैं बताऊंगा। देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, इसको समझिए, बहु मतलब क्या, बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय मतलब अनेक राष्ट्रीय, अनेक देश, ठीक है, अनेक देश कंपनियां, मतलब अनेक देशों में जो कंपनी काम कर रही है, ठीक है, अनेक देशों में जो कंपनी उत्पादन कर रही है, अनेक देशों में जो कंपनी वस्तुओं का विवरण कर रही है, वितरण कर रही है, वो ही क्या हो जाएगी, वो ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहला जाएगी। वो क्या कहलाई जाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाई जाएगी। जैसे मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है, ठीक है, और भारत की वह कंपनी अपना जो उत्पादन है, उत्पाद कर अपनी जो वस्तु उसने मतलब अपने ब्रांड से ही बनाएगी, भाई कंपनी क्या करती है, कंपनी का ब्रांड बिकता है, तो अपने ब्रांड को वो क्या कर रही है, भारत में भी बेच रही है और भारत से उसी वस्तु को पहुंचा रही है कहां पे, अमेरिका में, अमेरिका में उसकी एक वो बनी हुई है क्या ब्रांच, वहां पे भी वो बेच रही है। उसके अलावा वहां पे जाइए आप मतलब फ्रांस में भी वो बेच रही है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनकी ब्रांचेस बनी होती हैं अलग अलग कंट्री में, अलग अलग ब्रांचेस होती है, उन ब्रांचेस के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, अपनी वस्तुओं का आयात निर्यात करती रहती है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेचती भी है और मतलब आयात भी करती है, निर्यात भी करती है, ठीक है। तो भाई कंपनी का तो प्रोसेस है भाई, ये क्या करती है, प्राकृतिक संसाधनों को तो इनको जरूरत होती है ना, जिनको ये खरीदते हैं, ठीक है, जिनका ये आयात करते हैं, उन्हीं से तो ये विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा फिर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया उत्पाद करते हैं, वो ही नया उत्पाद को ये क्या करते हैं, बेचते हैं, तभी उनको लाभ होता है। तो ये अलग अलग कंट्री में अपनी ब्रांच बना देते हैं और उन्हीं ब्रांच से ये क्या करते हैं, मतलब अपना जो उत्पादन है उसको ट्रांसफर करते रहते हैं अलग अलग कंट्री में और वहां के अकॉर्डिंग ये बेचते रहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत राष्ट्रियों में व्यापार करती है, ठीक है, बहुत राष्ट्रियों में यानी अनेक राष्ट्रियों में, समझ में आ गया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या थी, अब जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी तो इनकी वजह से विदेशी व्यापार होने लगा, ठीक है भाई, जब ये अलग अलग राष्ट्रीय से क्या कर रही है, ये आयात निर्यात कर रही है, अलग अलग राष्ट्रियों से संबंध बना रही है, अलग अलग राष्ट्रियों में अपनी ब्रांचेस बना रही है, तो जब इन्होंने ब्रांचेस बनाई तो सीधी सी बात है, जब ये इनके बीच जो व्यापार होगा वो तो विदेशी व्यापार होगा ना, मतलब भारत की अगर कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी से, किसी अन्य देश की कंपनी से, ठीक है, या फिर अन्य देश से आयात या निर्यात कर रही है, ठीक है, आयात निर्यात कर रही है तो उसको लाभ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो विदेशी व्यापार हो जाएगा, विदेशी व्यापार की प्रक्रिया, ठीक है, मतलब अलग देशों से, भिन्न भिन्न देशों से व्यापार करना, ठीक है, अपने देश के साथ मतलब किसी अन्य देश के साथ व्यापार करना क्या हो जाएगा, किसी अन्य देश के साथ व्यापार करना विदेशी व्यापार कहलाएगा, ठीक है।
अब इसकी वजह से विदेशी व्यापार आया, विदेशी व्यापार आया, विदेशी निवेश भी आएगा। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये खुद का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, खुद का प्रोडक्ट को मतलब आगे तक पहुंचाने के लिए, खुद का जो व्यापार है उसका ज्यादा लाभ लेने के लिए या क्या करते हैं, विदेशी निवेश भी करती हैं। अब ये निवेश का अर्थ क्या है? निवेश का अर्थ होना है, निवेश का मतलब है खर्च करना। निवेश का मतलब क्या होता है? खर्च करना, ये आप समझ लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, मान लीजिए किसी की बहुराष्ट्रीय कोई कंपनी है किसी भी देश की, तो भाई पैसा तो अच्छा खासा होगा, वो मतलब उसकी जो परिसंपत्ति है वो बहुत होगी अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो वो अपने बलबूते पे क्या कर सकती है, जो अन्य कंट्रीज की जो छोटी छोटी स्थानीय जो कंपनियां हैं उन स्थानीय कंपनी को खरीद सकती है। ठीक है, अब इस अगर ये स्थानीय कंपनी को खरीदेगी तो ठीक है, वहां पे क्या करेगी, उसको खरीद कर वहां पे निवेश करेगी, या फिर खरीदेगी भी नहीं तो वहां पे ये क्या करेगी, मतलब उससे संयुक्त रूप से भी काम कर लेगी। ठीक है, तो मतलब ये निवेश करेगी, खर्च करेगी। मान लीजिए बहुराष्ट्रीय जो स्थानीय जो कंपनी है वो जितना नहीं कर पा रही तो ये उस पर खर्च कर कर वो खुद भी कमाती है और उसको भी लाभ होता है, इसको भी लाभ होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी को। ठीक है, तो मतलब ये निवास वो सॉरी निवेश करती है ये कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने स्थानीय कंपनी के साथ अपना संयुक्त रूप से कार्य किया तो इन्होंने उसमें बड़ी बड़ी मशीनों को रख दिया। ठीक है, अब बड़ी बड़ी मशीनों को रखने के कारण अत्यधिक उत्पादन होने लगा, अत्यधिक उत्पादन होने लगा तो इनका जो व्यापार है उसमें वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, व्यापार में वृद्धि हुई तो संबंध लोगों के बन रहे ना, देखो व्यापार से भी बन रहे, निवेश से भी बन रहे, भाई इसने स्थानीय कंपनियों पे निवेश किया। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है, भारत में एक ब्रांच बना दी, वहां पे भी इसने निवेश किया। भाई भारत में जब ब्रांच खर्च वो खड़ी करेगी, अपनी ब्रांच बनाएगी, तो ब्रांच बनाने के लिए भी तो क्या चाहिए, वहां पे श्रमिकों की जरूरत होगी। श्रमिक कहाँ के होंगे, ऐसा तो है नहीं कि रोजाना अमेरिका के श्रमिक अमेरिका से भारत आएंगे, ऐसे तो है नहीं। भारत में अगर ब्रांच है तो भारत के ही श्रमिक होंगे, तो भारत के श्रमिकों को जो सैलरी देगी वो भी तो खर्च ही हो रहा है ना, वो भी तो निवेश ही है। तो मतलब ये क्या करती है, निवेश करती है, बड़ी बड़ी मशीनों को रखेगी। अब ऐसे तो बिना पैसे के तो रख नहीं सकती है ना, खर्च तो करना पड़ेगा ना इन सबके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, विदेशी निवेश हो जाएगा। मतलब किसी अन्य देश में खर्च करना या वो क्या कहलाता है, वो विदेशी निवेश कहलाता है। अब ये जो है ये फैक्ट सभी क्लियर है, तो इन सभी ने क्या किए हैं, संबंध बनाए हैं, संबंध मजबूत किए हैं, एकीकरण की प्रक्रिया क्या की है, इसीलिए वैश्वीकरण के उद्यय और तीव्र वृद्धि वाले ये कारक हैं। अब यहाँ पे देखिए बाजारों का एकीकरण, अब देखिए विदेशी व्यापार बढ़ा, विदेशी निवेश हुआ, अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई या अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी आप इनको बोल सकते हो, एक ही बात है। अब जो ये सारा कुछ हुआ, जो भी ये हुआ, इससे क्या हुआ, जो बाजार है बाजारों का भी तो एकीकरण होगा। भाई अमेरिका का बाजार का संबंध भारत के बाजार से बन रहा है, भाई बाजारों में तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का आयात निर्यात होता है ना, तो वो बाजारी प्रक्रिया तो हो गई। जो बाजार है, बाजार में अमेरिका का कोई प्रोडक्ट आया, भारत के बाजार में किसी बाजार में बिक रहा है, मान लीजिए देते हो ना कि मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भारतीय बाजारों में चाइना की होती है वो बिकती है। अब इससे क्या हुआ, इससे प्रतिस्पर्धा आई, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन आया। जैसे कि भाई भारत में मान लीजिए भारत में खिलौने की दुकान है और एक खिलौना कुछ भी हो सकता है, वो 20 रुपए का है, लेकिन चाइना की एक कंपनी है उसी खिलौने को 15 रुपए में मतलब उपलब्ध करा रही है। अब ये क्या है, तो लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे ना, सीधी सी बात है, जो 15 में मिल रहा है, बात देखिए वो भी वही है, वो भी वही है, तो इससे कंपटीशन आया, मतलब प्रतिस्पर्धा आई है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे जो बाजार है, बाजारों का एकीकरण हुआ है। भाई चाइना की जो वस्तुएं हैं, जो दैनिक वस्तुएं हैं, जो बाजारी प्रक्रिया में जो बिकती हैं, वो कहाँ पे बिक रही हैं, इंडिया में भी बिक रही हैं, चाइना में भी बिक रही हैं, अमेरिका में भी बिच रही हैं वो। ठीक है, मतलब हर जगह पर वो क्या हो रही है, मतलब बाजारों का भी एकीकरण हो रहा है, बाजार भी एक हो रहे हैं, बाजारों के भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत की चीज चाइना के बाजार में बिक रही है, चाइना की चीज भारत के बाजार में बिच रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इनका प्रोसेस है वो चल रहा है, बाजारों का एकीकरण हो रहा है, लोगों का संबंध मजबूत हुए हैं, तो मतलब क्या होगा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया पैदा होगी। अब देखिए लोगों का आवागमन, अब देखिए लोग क्या है कि अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए एक दूसरे देश में जाते हैं, सभी जानते हैं कॉमन सी बात है। जैसे कि ज्यादातर भारत के लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, ठीक है, कुवैत जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये सभी जो है, ये जो है, ये मतलब क्या कर रहे हैं कि लोगों का आवागमन जब हो रहा है तो जो लोग वहां पे चले गए किसी अन्य देश में,
तो उस लोगों का वहां के लोगों से संबंध बनेगा, और वहां के लोगों से संबंध बनेगा तो सीधी सी बात है वहां के लोगों को, भारत के लोगों और अमेरिका के लोगों के जो संबंध है वो मजबूत होंगे। ठीक है, लोग एक दूसरे को पहचान पाएंगे, लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे। भारतीय लोग अमेरिकी से बात कर रहा है, अमेरिकी भारतीय से बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों के संबंध मजबूत होंगे। अब वो जा रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए। ठीक है, वो जिसलिए भी जा रहे हैं तो इससे क्या होता है, लोगों के संबंध मजबूत होते हैं और वैश्वीकरण की प्रक्रिया फिर भी यहाँ से उभरती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या रह रहा है, लास्ट जो फैक्ट है वो है प्रौद्योगिकी का विकास। अब आप देखिए प्रौद्योगिकी ने कितना अच्छा काम किया कि जो प्रौद्योगिकी है उसके थ्रू अब जो हम वीडियो बना रहे हैं, देखिए अब आप इस वीडियो को घर बैठे देख रहे हो। ठीक है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति इसको अमेरिका में देखना चाहे तो भारतीय को अमेरिका में देख सकता है। ठीक है, वीडियो कॉल पर आप अमेरिकी से बात कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेल के द्वारा आप अपनी मतलब अपनी बातों को अमेरिका पहुंचा सकते हो कुछ ही समय में, बहुत कम समय में। तो मतलब जो प्रौद्योगिकी आई है, प्रौद्योगिकी ने लोगों को एक किया है। प्रौद्योगिकी जो अमेरिका में जो घटनाएं घट रही हैं उनको हम घर बैठे देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है उसको हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम देख लेते हैं। ठीक है, अपने विचारों को हम पहुंचा देते हैं प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये एकीकरण की प्रक्रिया में इनका बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए वैश्वीकरण के उदय और वृद्धि, तीव्र वृद्धि वाले कारक ये सभी हैं। अब देखिए इनको तो आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हो, तो मतलब आप चैप्टर को समझ चुके हो, क्योंकि ये जो चैप्टर में जो कुछ भी है यही है। इसके आगे जो आने वाला है, आगे जो आ रहा है वो थोड़ा मतलब डिफाइन होएगा, मतलब अच्छे से उसको रिलेट किया जाएगा। लेकिन ये जो है, अगर यहां तक कुछ भी आपको डाउट है तो फटाफट आप बोल दीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए फटाफट। ठीक है, यहां तक समझ में सभी के आना चाहिए और मेरे ख्याल से सभी के बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों पर। तो ठीक है, वैश्वीकरण के मतलब कौन से ऐसे कारक हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को संभव बनाया, यानी वैश्वीकरण को सफलता दिलाई। देखिए कारण तो ये भी सभी हैं, क्योंकि इन्होंने भी वैश्वीकरण को संभव बनाया है। ठीक है, खुद से ही सोचिए कि वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो एक मेन कारण है, इसको आप जोड़ देना है। ठीक है, कारण ये भी अगर आप लिखोगे, सभी ये कारण है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा मिथ है, यहां तक जो समझ लिया उसको समझ लो। अब इसको मैं आगे और डिफाइन करूंगा उस तरीके से, जितना है मतलब जो चैप्टर जैसे जैसे बढ़ेगा आगे उसी तरीके से आपकी जो समझ है वो विकसित होती जाएगी। बिल्कुल जितने भी कंसेप्ट है सभी क्लियर हो जाएंगे, मतलब ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो आपको इस वीडियो के देखने के बाद किसी मतलब समझ में ना आए, या फिर किसी कोई भी ऐसा फैक्ट आपको लगे कि ये फैक्ट हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया। इस वीडियो में आप कक्षा दसवीं के अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 4 को पूर्ण तरीके से समझ रहे हो, हर फैक्ट को कवर कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए अब जो यहाँ पे है, जो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक है, उसमें याद कर लीजिए उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या है, ये उदारीकरण याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। देखिए जो उदारीकरण है, उदारीकरण का मतलब है अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। अवरोधों मतलब रुकावट, जिनको मतलब जो रुकावट पैदा करते हैं, जो प्रतिबंध है। ठीक है, उन प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसी प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। वो प्रक्रिया जो हर तरह के अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने का काम करती है उसी को ही क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण की जो प्रक्रिया है वो किसकी बात करती है, उदारीकरण मतलब मुक्त। अगर व्यापार की दृष्टि से हम देखें तो उदारीकरण की प्रक्रिया मुक्त व्यापार की बात करेगी, खुले व्यापार की बात करेगी, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं हो, किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं हो। अब यहाँ पे एक चीज सोचिएगा, ये तो आपने समझ ली कि मतलब अवरोध व्यापार पर कैसे होते हैं। अगर अवरोध है, रुकावट है, ठीक है, प्रतिबंध है व्यापार करने पर विभिन्न देशों के बीच प्रतिबंध है, अवरोध है, वो क्यों है, और ऐसा मतलब अपनी देश की वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए कोई भी अवरोध यदि कोई सरकार पैदा कर रही है तो उस सरकार को क्या बेनिफिट है, ये चीज सोचिए। मान लीजिए भारत सरकार है, और भारत सरकार की हम बात करें, माने क्या रियलिटी है, वास्तविकता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो आजाद होने के बाद तुरंत जो भारतीय सरकार है उसने विदेशी व्यापार करने पर ठीक है, विदेशी निवेश करने पर, ठीक है, और मतलब ये प्रौद्योगिकी वाले जो उस टाइम तो प्रौद्योगिकी इतनी खास भी नहीं थी,
लेकिन जो ये सब था तो वस्तुओं का आयात निर्यात करना क्या है? व्यापारी है। ठीक है, मैंने जो बात है आयात निर्यात करना क्या व्यापारी है, समझ लो। अब जो वस्तुओं का आयात निर्यात करने पर अवरोध लगा दिया यानी प्रतिबंध लगा दिए थे भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि जो भारत अगर ये सब नहीं करता, प्रतिबंध नहीं लगाता, तो भारत अगर खुले व्यापार की छूट दे देता तो जो विश्व के अन्य देश है ना, जैसे अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ठीक है, तो ये सभी क्या करते, अपनी अपनी वस्तुओं को यहां पे लाते, ठीक है, और लाकर उनका क्या करते, उनको बेचते। ठीक है, अब जो भारतीय वस्तु है, जो भारतीय उत्पादन है, वो क्या होता, वो मतलब उसका जो मूल्य था, उसकी जो वैल्यू थी, वो घट जाती। तो इसलिए भारत ने क्या किया, कुछ समय के लिए क्या कर दिया, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया आयात निर्यात करने पर, कर लगा दिया, कर इतना लगा दिया कि कोई आयात निर्यात करेगा ही नहीं। ठीक है, वस्तुओं का देखिए निर्यात तो कर दिया, मतलब वस्तुओं को निर्यात रखा, आयात नहीं किया, कि अगर कोई चाइना से माल मंगा रहा है तो भारी मात्रा में कर लगा दिया, अगर मंगाएगा तो वो भारी मात्रा का कर भुगतान करना पड़ेगा, और ऐसा कोई करना चाहता नहीं कि भाई अपना नुकसान कोई करे, तो इस तरीके से कर की कर लगा के द्वारा वो क्या करते हैं, कर के द्वारा प्रतिबंध लगा देते हैं। तो अब जो भारत जो उत्पादन कर रहा था, वो जो उत्पादन था उसकी जो वैल्यू थी वो बढ़ रही थी, मतलब जैसे जैसे लोग भारत में उत्पादन कर रहे थे तो भारतीय वस्तुओं को भारत में ही बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और वो निर्यात भी कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, निर्यात भी कर रहे थे, ज्यादा उत्पादन अगर हो रहा है तो उस चीज का निर्यात कर रहे थे। तो अब इसके बाद जो प्रतिस्पर्धा है यानी कंपटीशन है, जैसे ही मुक्त व्यापार की बात हुई, खुले व्यापार की बात हुई, ठीक है, सॉरी मुक्त व्यापार की बात हुई, तो उसमें जब भारतीय जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं का आयात निर्यात हुआ, उस उन वस्तुओं का जब मतलब प्रतिस्पर्धा में जब वो गई तो प्रतिस्पर्धा के वो सक्षम थी। ठीक है, अब ऐसा है ना, मतलब प्रतिस्पर्धा में क्या है, कंपटीशन होता है। अब भारत जो चीनी जो उत्पादन है वो अच्छा है, कम सस्ता भी है, अच्छा भी है, तो लोग उन्हीं को ही ना खरीदेंगे, भारत ही की वस्तुओं को खरीद कर क्या करेंगे, थोड़ा आप खुद को बर्बाद थोड़ी ना करेंगे वो। या फिर भारत है, भारत की वस्तु बढ़िया है, चाइना की वस्तु खराब है, तो वो भारत की वस्तु खरीदेंगे, चाइना को क्यों खरीदेंगे, चाइना को तो मतलब महंगी भी है और सही भी नहीं है, तो क्या फायदा चाइना की चीजों को खरीदने से, तो वो भारतीय वस्तु को खरीदेंगे। अब जब वो भारतीय वस्तु को खरीदेंगे तो भारतीय वस्तु का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, भारतीय वस्तु की वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, तो इसीलिए अवरोधों और प्रतिबंधों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब जो विकसित कंट्रीज हैं, जो विकसित कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, प्रतिबंध और अवरोध लगाकर खुद को प्रतिस्पर्धा से बचा लेती है, यानी मतलब खुद की वस्तुओं का जो उत्पादन वो करती है उसका जो लाभ है पूर्ण तरीके से लाभ लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो ये उदारीकरण वाला आया है, यदि उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए विदेशी व्यापार है, ठीक है, मतलब विश्व के विभिन्न देश आपस में व्यापार करेंगे तो किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्योंकि अब वो सक्षम बने हुए हैं, ठीक है, मतलब वो उसके लायक हैं, प्रतिस्पर्धा का वो सामना कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे वस्तुएं एक तो सस्ती मिलेंगी। ठीक है भाई, मान लीजिए चाइना दे रहा है 78 रुपए की कोई भी 1 केजी चावल दे रहा है, लेकिन भारत उसको दे रहा है 50 रुपए के केजी, तो चाइना को भी वो सस्ता करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई खरीदेगा ही नहीं इसको, तो इसलिए ये क्या होगा, विदेशी व्यापार अगर होगा, उदारीकरण की नीति अगर आएगी तो सस्ता भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, बढ़िया भी मिलेगा। विदेशी निवेश में उदारीकरण की प्रक्रिया हो, अब मान लीजिए कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अंतरराष्ट्रीय कंपनी किसी मान लीजिए पाकिस्तान की किसी भी पाकिस्तान में अपनी ब्रांच बनाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान उसको बनाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये प्रतिबंध है। ठीक है, पाकिस्तान के नियमों के अनुसार कोई भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी वहां पे अपनी ब्रांच नहीं बना सकती है, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से काम नहीं कर सकती है। इस तरह के जो नियम है उनको हटा दिया था किसने, उदारीकरण की नीति ने, प्रतिबंध की नीति ने। जब ये प्रतिबंध हटे, जब ये अवरोध हटे, तो सीधी सी बात है वैश्वीकरण क्या बनेगा, संभव बनेगा, सफल बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जो प्रतिबंध है, जो रुकावट है, वो अगर हट जाएंगी तो लोगों के संबंध बनेंगे ही, सीधी सी बात है। अगर रुकावट हटना तो संबंध बनना ही तो हो गया, तो ये जो संबंध बना मतलब ये जो वैश्वीकरण है वो संभव हुआ। ठीक है, इसलिए ये मेन है, उदारीकरण वाला मेन है। आशा करता हूं कि ये आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 पर। ठीक है, ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, यहां पे आप समझिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर, यहां पे बात की गई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा, इसको देखेंगे ठीक है। तो अब यहां पे देखिए हम बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण, हम अर्थव्यवस्था के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। ये चैप्टर में बताया गया सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में, हम आपको हर उस क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि भारत जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया आई इसने औद्योगिक प्रभाव क्या पड़ा, यानी व्यापारिक प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्रभाव क्या पड़ा, औद्योगिकी प्रभाव क्या पड़ा, इन सब को हम आपको बताएंगे ठीक है। अब देखिए पहले हम बात करते हैं व्यापारिक प्रभाव, भारत में वैश्वीकरण के कारण भारत पर जो प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का, वो व्यापारिक क्षेत्र में कितना पड़ा। देखिए व्यापारिक में क्या हुआ कि भारत को एक तो पहली बात विकल्प मिले, विकल्प कैसे मिले, जो वैश्वीकरण के बाद जो व्यापार होने लगा, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, इससे क्या हुआ और जो बाजारों का जो एकीकरण हुआ, यहाँ पे हमने बताया था आपको, तो लोगों को वस्तु खरीदने का एक विकल्प था। मान लीजिए दो देशों की वस्तुएं हैं, एक हो जाएगा भारत ठीक है, एक हो जाएगा अमेरिका ठीक है, दो देशों की वस्तुएं हैं। अब अमेरिका की जो वस्तु एक ही है, मान लीजिए आटा है, भारत उसी आटे को 10 रुपए में क्या कर रहा है, दे रहा है 1 केजी 10 रुपए, अमेरिका उसी आटे को 1 केजी 12 रुपए, तो कौन से उसको खरीदेंगे, लोग कौन से उसको खरीदेंगे, इसको खरीदेंगे। मतलब लोगों के पास विकल्प है, ऑप्शन है, वो चाहे तो इसको खरीद ले, चाहे तो इसको खरीद ले ठीक है, जैसा उनको बेहतर लगे, विकल्प भी है और कम कीमत पर उनको अच्छा भी, अच्छी गुणवत्ता वाला वो भी मिलेगा, मतलब कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट, अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद उनको मिल जाएगा ठीक है। आवश्यकता अनुसार जो खरीदना चाहते हैं उसको खरीदने को लेकर विकल्प भी है, वो किस तरह का खरीदना चाहता है, कितनी कीमत पर खरीदना चाहता है, कितनी कीमत वाला खरीदना चाहता है। हम देखते हैं ना, कभी हम कपड़ा खरीदने गए ठीक है, नहीं बहुत से लोग क्या कह रहे हैं 5 रुपए वाली शर्ट पहनना पसंद करते हैं ठीक है, बहुत से 15,000 वाली शर्ट तक होती है, 15,000 वाली शर्ट पहन रहे हैं, बहुत से 2,000 वाली शर्ट पहन रहे हैं, मतलब विकल्प है। अगर वो चाहे तो 10,000 वाली भी खरीद सकता है, चाहे तो 5,000 वाली भी खरीद सकता है, चाहे तो 1,000 वाली भी खरीद सकता है। ये जो विकल्प आया, इस विकल्प से कम कीमत पर हम अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, यह व्यापारिक प्रभाव भारत पर पड़ा था। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं आर्थिक प्रभाव पर, कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा भारत पर। देखिए आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मिल रहा है ठीक है, विकल्प है, उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है ठीक है, तो उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि हुई। अब सेवाओं का मतलब क्या है, क्लास 9th में मैंने बताया था, अब आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर, टीचर, ये सब सेवाएं देते हैं, ये उत्पादन नहीं करते हैं, ये सिर्फ सेवाएं देते हैं ठीक है, ये क्या देते हैं, ये सेवाएं देते हैं। सॉरी इसके लिए एक लड़का आ गया था तो उसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा, तो देखिए चलिए कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करते थे। देखिए अब हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव पर, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है, वैश्वीकरण में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय आर्थिक स्थिति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए पहली बात, वैश्वीकरण की वजह से नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, वो कैसे, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आई, अगर भारत में किसी भी देश की, अन्य देश की कंपनी आई, तो उससे वहां के लोगों को, भारतीय लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला, बिल्कुल मिला ठीक है। भारतीय लोग उत्पादन करने लगे, भारतीय लोग शिक्षित भी हैं, शिक्षितों की भी जरूरत होती है, मतलब शारीरिक श्रम वाले लोगों की भी जरूरत होती है, हर क्षेत्र के लोगों को मतलब क्या मिल रहा है, रोजगार मिला, रोजगार के अवसर पैदा हुए ठीक है। अब देखिए स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई, अब जो स्थानीय कंपनियां थी उनको मतलब उन्होंने, या अगर वो खरीदेंगे तो भी स्थानीय कंपनी को फायदा है, क्योंकि वो बहुत अच्छी कीमत पर अंतरराष्ट्रीय कंपनी को खुद को मतलब क्या कर देती है, बेच देती है ठीक है। मतलब अगर वो कंपनी घाटे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, तो अंतरराष्ट्रीय कंपनी अगर उनको खरीदती है तो वो घाटे से बच जाती है ठीक है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यदि स्थानीय कंपनियों से संयुक्त रूप से वर्क कर रही है, करना चाहती है, तो जो उत्पादन होगा, जिस उत्पादन को ये कर रही थी भारत के अंतर्गत, उस उत्पादन को ये अच्छी कीमत लेकर, अंतरराष्ट्रीय कंपनी से अच्छी कीमत लेकर, अच्छा उत्पादन कर अच्छी आय प्राप्त करती है ठीक है। तो तीसरी बात, अच्छी सेवाएं में वृद्धि हुई, सेवाओं में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि होगी। भाई पहले कम उत्पादन करती थी ठीक है,
लेकिन वैश्वीकरण की वजह से आप ज्यादा उत्पादन कर रही है, सेवाओं का ज्यादा वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो सेवाओं में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, अगर सेवाओं और उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो रोजगार बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, इसमें कोई वही नहीं डाउट वाली बात, तो ये आर्थिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी प्रभाव, प्रौद्योगिकी प्रभाव कितना पड़ा है। देखिए जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण की वजह से न्यूनतम प्रौद्योगिकी का आना, भारत में न्यूनतम प्रौद्योगिकी आई, मतलब न्यूनतम प्रौद्योगिकी क्या है, जो प्रौद्योगिकी है इसकी जो नई दिशा है, ठीक है, जो नई दिशा है, जो ये नई दिशा ही है जिस जो हम मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना इसके द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ये प्रौद्योगिकी की नई प्रणाली है, ठीक है। तो इस नई प्रणाली का भारत में आना, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए नहीं, ये प्रणाली प्रौद्योगिकी की विश्व के हर कंट्री में गई है, तो मतलब एक हुए लोग, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है भारत में, क्या हुआ, भारत में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, प्रौद्योगिकी में वृद्धि हुई है, भारत के जो लोग थे इंजीनियर थे, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग, वो प्रौद्योगिकी की वजह से आज बहुत कुछ कर रहे हैं, भारतीय लोगों को प्रौद्योगिकी की वजह से रोजगार भी मिल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है प्रौद्योगिकी की वजह से, भारतीय लोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब बहुत वृद्धि कर चुके हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बात करें तो भारतीय जो लोग हैं वो मतलब अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं प्रौद्योगिकी के आधार पर, उनको ज्ञान हो गया, उनके अंदर एक कौशल पैदा हो गई है, यानी कौशल पैदा की वजह से उनकी सेवाओं लेने के लिए, उनकी सेवाएं लेने के लिए अलग अलग कंट्री के लोग भारत में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सब क्या, ये प्रौद्योगिकी है, क्योंकि उनको जो पता चल रहा है वो प्रौद्योगिकी के द्वारा ही पता चल रहा है, यहां तक ये वाला जो प्रौद्योगिकी प्रभाव समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं औद्योगिकी प्रभाव, औद्योगिकी प्रभाव क्या पड़ा, औद्योगिकी प्रभाव तो यहाँ पे भी आ गया भाई, स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई थी, ठीक है, स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आना, भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा, उत्पादन में वृद्धि होने लगी, सेवाओं में वृद्धि होने लगी, ठीक है, स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई, स्थानीय कंपनी को बहुत बड़ी मात्रा में लाभ हुआ, ठीक है, ये सभी औद्योगिक प्रभाव थे। भारतीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरना, जैसे बहुत सारी भारतीय कंपनियां थी वो पहले स्थानीय कंपनियां थी, लेकिन वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई, उनकी भी ब्रांचेज भारत की कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनकी ब्रांचेज विश्व के अलग अलग देश में है, जैसे कि टाटा मोटर्स, सभी ने सुना है टाटा मोटर्स अंतरराष्ट्रीय कंपनी है और जो कि एक भारत की है। तो मतलब इसे क्या हुआ, औद्योगिक प्रभाव ये पड़ा, ये सभी कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आई, भारत की कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई, स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई, ठीक है, तो ये औद्योगिक प्रभाव था। तो अब देखिए यहां तक तो आपके बड़े तरीके से समझ में आ गया है, जो सॉरी अब जो पांचवा है वहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, हम आपको जवाब दे देंगे। अब देखिए ये क्या है, जो पांचवा फैक्ट है ये है न्याय संगत वैश्वीकरण। अब न्याय संगत वैश्वीकरण को समझने से पहले वैश्वीकरण की प्रक्रिया तो समझ ली, वैश्वीकरण से क्या हुआ है, अभी तो आपने फायदे ही समझे, अब इसका थोड़ा नकारात्मक में जाइए, यानी मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा है। देखिए ये जो वैश्वीकरण आया है इसका जो लाभ हुआ है, जो भी लाभ हुआ है वो सब धनी वर्ग के लोगों को हुआ है, ठीक है, जो लोग धनी है उन सभी को ही लाभ हुआ है। अब वो कैसे कि ये आप कैसे कह सकते हो कि रोजगार तो नए गरीब लोगों को भी मिले हैं, ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं गरीब लोगों को भी मिले हैं रोजगार तो उनको भी मिले, फिर अमीर लोगों को भी गरीब लोगों को भी फायदा हुआ है, अमीर लोगों को ही थोड़ी हुआ है, ज्यादातर जो इसका फायदा है, ज्यादातर जो इससे इफेक्टेड हुए हैं वो अमीर लोग हुए हैं, धनी वर्ग के लोगों को इनका लाभ मिला है, ठीक है। वो कैसे, देखिए अब आप हर क्षेत्र में देखिए, आप बात कर लीजिए किसकी, अंतरराष्ट्रीय अंतरदेशीय उत्पादन की, अंतरदेशीय उत्पादन मतलब देश में जो उत्पादन कर रहे हैं वही तो लोग उत्पादन कर सकते हैं जिनके पास कुछ है। आप लकड़ी से टेबल बनाना चाहते हो, मान लेते हैं लकड़ी प्राकृतिक साधन है, लेकिन उसी प्राकृतिक साधन का आप विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा एक टेबल बना रहे हो, टेबल बनाने के लिए पहले आपको निवेश करना पड़ेगा, अलग अलग तरह की मशीनों को खरीदना पड़ेगा, और निवेश करने की क्षमता धनी वर्ग के लोगों की होती है ना कि गरीब वर्ग के लोगों की। जितने भी अवसर वैश्वीकरण से मिले हैं वो धनी वर्ग के लोगों को मिले हैं, धनी वर्ग ही उन अवसरों का फायदा मतलब उन अवसरों को यूज करने लायक है, गरीब नहीं है। गरीब क्या, गरीब निवेश कर सकता है, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या निवेश करेगा, क्या निवेश करेगा, वो व्यापार कर सकता है, व्यापार करने के लिए भी तो पहले निवेश करना पड़ता है,
भाई सीधी सी बात है, जब आप निवेश कर दोगे, जब आप वस्तुओं का उत्पादन कर लोगे, वस्तुओं से नई नई वस्तुओं का निर्माण करोगे, तब उस वस्तु को आप आयात निर्यात कर सकते हो या बेच सकते हो या खरीद सकते हो। तो ये सभी क्या है, ये व्यापार भी तभी कर सकते हो जब आपके पास कुछ होगा। उसके बाद बाजारों का एकीकरण, बाजारों का जो एकीकरण हो रहा है उसमें देखिए जितनी भी वस्तु है जो है उत्पादन, जो यही लोग उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन भी यही कर रहे हैं, निवेश भी यही कर रहे हैं, व्यापार भी यही कर रहे हैं, तो भाई बेचेंगे भी तो यही। ठीक है, बाजारों में जो एकीकरण होगा वो इनकी ही तो वस्तुओं से होगा, ये जो वस्तु कर रहे हैं। तो गरीबों की तो मतलब इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपनी वस्तुओं को, जो भारतीय हो और वो अपनी वस्तु को चीन में जाके बेच दे, इतनी क्षमता होती है भारत मतलब गरीब लोगों की? नहीं होती। आप लोग देख लीजिए कैसा हो सकता है कि गरीब लोग की क्या इतनी क्षमता होती है वो अपने देश का अंदर उत्पादन करे और उसको वो नेशनल लेवल तक पहुंचा दे, यानी वो अमेरिका में जाके उसको बेचे? नहीं, इतना निवेश वो नहीं कर सकता, उसके पास इतना होता ही नहीं है। इसका जो लाभ हुआ है वो सीधा सा धनी वर्ग के लोगों को हुआ है, गरीब वर्ग के लोगों को नहीं। जितने भी अवसर वैश्वीकरण से मिले हैं वो गरीब अमीर सॉरी अमीर लोगों को मिले हैं, गरीबों को नहीं। तो इसलिए जो ये न्याय संगत वैश्वीकरण है, इस न्याय संगत वैश्वीकरण की हम बात करेंगे, इससे मतलब क्या है आखिरकार। और देख लीजिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या कोई गरीब व्यक्ति लगा सकता है? सोचिए, नहीं लगा सकता, अमीर ही लगा सकता है। जिसके पास है, जो निवेश कर सकता है, वो ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना सकता है, वो ही स्थानीय कंपनियां खड़ी कर सकता है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति कंपनी थोड़ी ना खड़ी कर सकता है। प्रौद्योगिकी जो मशीनें हैं, एक छोटी मशीन लाखों में आती है, करोड़ों में आती है, प्रौद्योगिकी के जो यंत्र हैं उन सभी को क्या कोई खरीद सकता है? नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता, गरीब व्यक्ति नहीं खरीद सकता। ये जितने भी अवसर मिले हैं ये धनी वर्ग के लोगों को मिले हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये विकसित देशों को मिले हैं, अगर देशों की हम बात करें, विकासशील देशों को नहीं, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, अब देखिए ये सभी क्या है, उदारीकरण। उदारीकरण अब देखिए, एक वो है जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये क्या कह रहा है, जो ये जो विकसित किया था, इसके जो स्थापना की थी, इसको जो बनाने में जो योगदान रहा था वो विकसित देशों का रहा था। तो इसलिए जो इसके जो नियम है, वो विकसित देशों के प्रति मतलब लचीले हैं एक तरीके से, और जो विकासशील जो देश है उन उनको इसके नियमों को मजबूर होकर मानना पड़ता है, उसको अवरोधों को हटाना पड़ता है, विकासशील देशों को अपने प्रतिबंधों को हटाना पड़ता है, और जो अमीर हैं, जो जो विकसित देश हैं, वो प्रतिबंध को नहीं हटाते हैं। ठीक है, वो नहीं हटाते हैं, मतलब हटाते हैं बहुत कम मात्रा में हटाते हैं। इन जो फायदा जो हो रहा है, लाभ जो ज्यादा हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से विकसित देशों का हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको समझते हैं, न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है। अब आप इतना तो पता चल गया कि वैश्वीकरण क्या है, भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसमें प्रतिबंध क्या है, प्रतिस्पर्धा कैसे है, बाजारों के एकीकरण क्या है, विदेश व्यापार क्या है, विदेश निवेश क्या है, सब आप जान चुके हो। चैप्टर जिस पे टिका हुआ था वो सब आपने सीख लिया है। अब बात आ रही है जो लास्ट जो फैक्ट है वो है न्याय संगत वैश्वीकरण। न्याय मतलब न्याय, सभी को समान, सभी को बराबर लेकर चलने वाला। ठीक है, मतलब एक ऐसा वैश्वीकरण जिसमें अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं हो, जिसमें धनी धनी को ही अवसर ना मिले, बल्कि धनी के साथ साथ ही उसके बराबर ही गरीबों को भी अवसर मिले, एक ऐसा वैश्वीकरण होना चाहिए। देखिए न्याय संगत वैश्वीकरण एक ऐसे वैश्वीकरण की बात करता है जिसमें सभी लोगों को समान अवसर मिले, जिसमें सभी के हितों को संरक्षण किया जाए, जो सभी के हितों को ध्यान में रखे, एक ऐसा वैश्वीकरण जो सभी को प्रतिस्पर्धा के सक्षम बनाने की क्षमता रखता हो। ठीक है भाई, जो अमीर लोग हैं उनके पास है, वो प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं, गरीब लोग थोड़ी ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो गरीब लोगों को प्रतिस्पर्धा के सक्षम बनाना, ये क्या, ये न्याय संगत वैश्वीकरण कहता है, ये न्याय संगत चाहता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा सभी देशों के लिए न्याय संगत नियमों के लिए समझौते करना चाहिए। ये क्या है, इसको समझिए, ये कह रहा है जो जो व्यापार से संबंधित WTO जो व्यापार से संबंधित गतिविधियां करता है, व्यापार से संबंधित नियमों को जो बनाता है, व्यापार से संबंधित नियमों को जो लागू करता है, व्यापार से संबंधित जो भी आंकड़े जो जारी करता है, वो है WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है
कि इसको ऐसे नियम बनाने चाहिए, एक ऐसे न्याय संगत नियमों का समझौता करना चाहिए हर देश से, जो उनको माने, जो उनको यूज करे, जो उनके खिलाफ ना जाए। जैसे कि भाई हर देशों के लिए मतलब क्या है कि हर देश क्या करेगा कि अवरोधों को हटाएगा, प्रतिबंधों को हटाएगा, तो हटाएंगे सभी, न्याय संगत होने चाहिए, जितने भी न्याय संगत नियम है उन नियमों को प्रत्येक देश से समझौता करना चाहिए, किसको, WTO को। और समझौते करने के बाद जब समझौता कर लेगा, एग्रीमेंट जब हो जाएगा, तो सभी देश हैं वो बन जाएंगे क्या करने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए। इस तरह का अगर प्रोसेस आता है तो इससे क्या होगा, इससे न्याय संगत वैश्वीकरण समाज में आएगा। ठीक है, अब आशा करता हूं कि जितना भी जो ये इसमें जो चैप्टर जो था, जितने भी जो फैक्ट्स थे वो आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे ये। और देख लीजिए जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके 164 सदस्य देश हैं। ठीक है, जो इसके नियमों को, जो इसके मतलब एक तरीके से जो जो इसने कहा है, जो इसके नियम है उनका पालन करने वाले जो देश है वो कितने हैं, 164 है। ठीक है, इसके अंडर जितने भी देश है 164 है। ठीक है, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 164 है, ये याद रख लेगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी WTO की। ठीक है, तो जेनेवा, जेनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। किसमें है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, इसका मुख्यालय है। तो आशा करता हूं कि ये जो चैप्टर नंबर 4 है बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रखने वाली बात है नहीं, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो, हमसे पता कर सकते हो, हम आपको मतलब उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, अब देखिए जितना भी यहाँ पे पढ़ा है चैप्टर 4 तक, चैप्टर 4 यानी क्लास 9 से क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 तक के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहां पे जाकर आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है। और बिल्कुल बहुत अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, एक बार आप जाइए जरूर और देखिए कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो वहां से जाकर आप नोट्स से जब पढ़ोगे एक बार वीडियो देख लीजिए, देखिए बिना वीडियो देखे नोट्स आपके समझ में आने वाले नहीं है। तो पहले वीडियो देखिए, बाद में नोट्स से पढ़िए, उसके बाद अगर कोई भी फैक्ट आपसे छूट रहा है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर दीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप वीडियो भी पूरी देखें, लेकिन देखना ध्यान से देखना। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो आपकी गलती होगी। वीडियो को देखना है ध्यान से, नोट्स को पढ़ना है ध्यान से, और उसके बाद इस चैप्टर से कुछ भी अगर रह जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसके लिए जिम्मेवार हम हैं। आप समझिएगा, हमारे साथ ईमानदारी से काम कीजिएगा, हमको सपोर्ट करते रहिएगा धीरे धीरे, और हम लोग आपको हर तरह से मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसी तरीके से आपको मतलब बहुत आसान लैंग्वेज में समझाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।